आज हम सीखेंगे सीमेंस मशीन में नया प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। आइए सबसे पहले हम, अगर आपकी एडिट की लॉक है तो उसे ऑन कर दीजिए। उसके बाद हम प्रोग्राम मैनेजर में जाएंगे। अब जो ये कीबोर्ड देख रहे हो उसमें यहाँ पर है प्रोग्राम मैनेजर, इसको हम प्रेस करेंगे। उसके बाद आपका ये प्रोग्राम लिस्ट खुल जाएगा। यहाँ पर हमें 3 नंबर पे हमें वर्कपीस के सब प्रोग्राम मिल जाएंगे। वर्कपीस में हमें प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। अभी हम इसे ये येलो कलर का जो इनपुट है उससे भी हम ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर साइड में या देख रहे हो कि यहाँ पर हम साइड की है, यहाँ पर भी ओपन लिखा हुआ है, उसकी मदद से भी हम प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रोग्राम हमें कौन सा ऐड करना है और कहाँ पर ऐड करना है। अभी हम यहाँ पर फोनिक्स, मेरी कंपनी का नाम लिखा हुआ है फोनिक्स, वहाँ पर हमें नया प्रोग्राम बनाना है तो हम इसे ओपन करेंगे। अभी ये देख लो, मेरे फोनिक्स इंजीनियर्स में मैंने इतने सारे प्रोग्राम बनाए हुए हैं। अब मैं यहाँ पर नया प्रोग्राम बनाऊंगा। अब देख सकते हो मैंने फोनिक्स इंजीनियर में ये सब प्रोग्राम बनाए हुए हैं। अभी इसका मुझे सेकंड सेटअप बनाना है। ये SS, ये हमारी नया प्रोग्राम है SS पिन का, उसका फर्स्ट सेटअप है। अभी हमें सेकंड सेटअप बनाना है, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पर, ये आप देख रहे हो न्यू, यहाँ पर हमें न्यू के ऊपर प्रेस करना है। अभी यहाँ पर हमें अपना प्रोग्राम का नाम लिखना है। अभी हम प्रोग्राम का नाम लिख लेते हैं। क्या नाम लिखना है? मैं अपने प्रोग्राम का नाम SS फिर सेकेंड सेटअप, ठीक है। एक है SS सिक्स पार्ट। और सेकेंड ND। आप देख सकते हो SS सिक्स पार्ट सेकेंड, ठीक है। अभी हम इसे इनपुट कर लेंगे, इसलिए ये हमारा प्रोग्राम, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो येलो कलर का बटन है उसे हम प्रेस करेंगे, इसलिए ये हमारा नया प्रोग्राम हो जाएगा। आप देख सकते हो ये हमारा नया प्रोग्राम बन चुका है। अब यहाँ पर आप नया प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ इनपुट करके कि यहाँ पर आप नया प्रोग्राम ऐड कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये है हमारा नया प्रोग्राम SS सिक्स पार्ट सेकेंड। ऊपर है हमारा SS सिक्स पार्ट फर्स्ट, उसके नीचे SS सिक्स पार्ट सेकेंड। आशा करता हूँ कि आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ओपन करने से ये हमारा प्रोग्राम है। थैंक यू।